एवरीवन, इंस्टेंट पिज्जा खाने का मन है तो बेस्ट ऑप्शन है रवा पिज्जा, और इसे बना रहे हैं हम बिना डो के और बिना माइक्रोवेव और ओवन के। इसमें हम डाल रहे हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स और चीज। इसे बना रहे हैं हम पैन में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी रवा पिज्जा। ये देखिए, इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, दही और सॉल्ट, और टॉपिंग के लिए हमें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। यहाँ हमने लिए कैप्सिकम, अनियन, टमाटो, चीज, कॉर्न, टमाटो केचप, पिज्जा पास्ता सॉस, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो एंड क्रश्ड ब्लैक पेपर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक बोल, और बोल में ऐड कर रहे हैं सूजी, दही और थोड़ा सा नमक। इसे मिक्स करते हुए हमें एकदम स्मूथ बैटर रेडी करना है। यहाँ थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं पानी इसमें, और पानी डालते हुए इसको हम मिक्स करते जाएंगे जिससे जो सूजी है अच्छे से दही और पानी को पी ले और बहुत अच्छे से फूल जाए। ये देखिए मिक्स हो चुका है। यह हम इसे रख देते हैं आधे घंटे के लिए कवर करके, जिससे इसमें एक अच्छा सा फर्मेंटेशन हो जाए और एकदम परफेक्ट बैटर बन जाए। आधा घंटा हो चुका है, आइए देख लेते हैं। देखिए सूजी ने बहुत अच्छे से पानी और दही को सोक कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं हम। एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, तो इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ हमारे पास एक कप सूजी हमने ली थी और उसमें एक कप पानी हमने पूरा ऐड कर दिया है। ये देखिए अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बैटर एकदम परफेक्ट हो चुका है, एकदम बढ़िया। अब हम ले रहे हैं एक पैन, इसको ग्रीस कर रहे हैं थोड़े से ऑयल से, और इसमें ऐड कर रहे हैं बैटर। ये देख सकते हैं बैटर अपने आप ही स्प्रेड हो जाता है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे बैटर की। थोड़ा सा शेप देने के लिए हम इसको स्प्रेड कर रहे हैं, और यहाँ 3 से 4 मिनट के लिए कवर करके हम इसे कुक करेंगे। गैस फ्लेम हमारी एकदम स्लो रहेगी। देख सकते हैं 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हम टर्न करते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया कलर आया है। अब ये काम हमें बहुत जल्दी से करना है। इस पे हम स्प्रेड कर रहे हैं पिज्जा पास्ता सॉस और टमाटो केचप। आपको लगता है आप जल्दी से नहीं कर सकते हैं तो गैस फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और ये काम आप आराम से कीजिए। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्रेटेड मोजरेला चीज। और अब हम ऐड कर रहे हैं इस पे वेजिटेबल्स। यहाँ हम ऐड कर रहे हैं कैप्सिकम, जिसे हमने स्लाइस वाइज कट किया है, और आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मनपसंद सब्जियां ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं जो आपके पास आपके घर में अवेलेबल हो। आप चाहें तो पनीर डाल सकते हैं, ऑलिव डाल सकते हैं, बेबी कॉर्न, जो आपकी मनपसंद सब्जियां हो। यहाँ हमने ऐड कर रहा है कैप्सिकम, टमाटो, और थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं हम अनियन और स्वीट कॉर्न। और एक बार और हम इसमें एक अच्छी सी लेयर लगा रहे हैं मोजरेला चीज की, और इस पे हम स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहें तो ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, क्रश्ड ब्लैक पेपर और काफी सारा ऑरिगेनो। इस तरह से ऑरिगेनो पहले डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको हम गैस फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको कुक करेंगे 8 से 10 मिनट के लिए कवर करते हुए। इस टाइम में हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगी और हमारा चीज भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे गैस फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। 10 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। बहुत बढ़िया हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। इसको बहुत ध्यान से हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं प्लेट में। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आपको नीचे से दिखा देते हैं। ये देखिए नीचे से बहुत अच्छे से सिक चुका है, इसका कलर बहुत अच्छा है, एकदम क्रिस्पी लेयर हमारी बनी है। ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहा है हमारा रवा पिज्जा। अब इसको हम कट करते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए रेडी हमारा इंस्टेंट डिलीशियस रवा पिज्जा।